हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो? ठीक है, अब तो आप लोग नर्चर से एंथूज में पहुंच चुके हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लांट रिप्रोडक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस प्लांट रिप्रोडक्शन में दो चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। एक चैप्टर आपको पढ़ना होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है? तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि प्लांट रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लांट रिप्रोडक्शन, तो प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हमने आपसे पहले ही जब भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है या पढ़ाया है तो हमने आपसे हमेशा कहा है ना कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये बात हमें पढ़ाई क्यों जा रही है। ठीक है, या फिर उस जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है उसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही सोचेंगे कि इस दुनिया में ये रिप्रोडक्शन जैसी चीज है ही क्यों। ठीक है, तो इस दुनिया में ये रिप्रोडक्शन जैसी चीज क्यों है, तो रिप्रोडक्शन है ही क्यों, तो हम लोग इसके बारे में, तो देखिए वही थिंकिंग है ना, हमने कहा कि व्हाई रिप्रोडक्शन, तो आपको सोचना है कि रिप्रोडक्शन है क्यों। ठीक है, तो इस वजह से आप सोचो ना ताकि आपको रिप्रोडक्शन को लेकर फील आने लगे। जैसे कभी भी आप सोचिए ना, बेसिकली सब कुछ भुलाकर अगर आप सोचो कि यार ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस ही क्यों है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप देखो तो इस दुनिया में एक सत्य है, ठीक है, एक ट्रुथ है, और वो ट्रुथ क्या है? तो वो ट्रुथ है डेथ। ठीक है, तो हम लोगों ने हमेशा बात की है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डेथ जो है वो अपने आप में क्या है? ट्रुथ है। डेथ ट्रुथ होने का मतलब ये है कि डेथ तो श्योर है। इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए या ना आए इस बारे में कोई गारंटी नहीं है, मतलब किसी के आने की गारंटी नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया में आ चुका है वो इस दुनिया से जाएगा जरूर। ठीक है, इसका मतलब उसके जाने की गारंटी है। तो डेथ इस दुनिया में क्या है? सर्टेन है। अब सोचिए जितनी भी स्पीसीज है, ठीक है, सबकी डेथ सर्टेन है। अब डेथ क्यों होती है? तो अगर हम लोग इसको इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पर समझ जाएंगे कि डेथ क्यों है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो ना, तो अगर डेथ नहीं होगी ना तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी आप हम उस एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे हैं कि डेथ क्यों है। ठीक है, अभी हम रिप्रोडक्शन वाले एस्पेक्ट पे ही रहते हैं। तो डेथ होने की वजह से क्या है कि डेथ होने के बाद भी अगर आप देखो तो जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, ठीक है, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया है, तब से लेकर 3 बिलियन ईयर्स एगो से लेकर आज तक लगातार लाइफ की कंटिन्यूटी क्या है? मेंटेन है। जबकि न जाने कितनी बार मास एक्सटिंक्शन तक भी हो चुका है, उसके बावजूद भी लाइफ की कंटिन्यूटी क्या है? मेंटेन है। अगर आप सोचिए कि ये रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस ना होता, ठीक है, और डेथ होता, तो अगर डेथ होता तो हर ऑर्गेनिज्म जन्म लेने के बाद कभी ना कभी क्या हो जाता? मर जाता। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक दिन इस दुनिया से लाइफ ही क्या हो जाती? खत्म हो जाती। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ गया होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, या फिर हम लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज और कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन। अब आपको फीलिंग आने लगी होगी ना कि डेथ है, और अगर रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस, अब आपको पता है कि अगर आप पूरी क्या कहते हैं लाइफ स्पैन को देखो, पूरी लाइफ को देखो, पूरी लाइफ साइकिल को कंसिडर करो, तो बर्थ होने के बाद क्या आती है? मेच्योरिटी आती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेसेंस आता है, और फिर क्या होता है? डेथ। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि डेथ से पहले ही, तो डेथ से बहुत पहले ही कौन सी फेज आ चुकी होती है? रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म मरने से पहले अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर लेता है रिप्रोडक्टिव फेज में आकर। इसका मतलब वो तो मर गया, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोजेनी सरवाइव कर रही है, और उसकी प्रोजेनी के सर्वाइवल का मतलब है कि उस स्पीसीज का एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। तो अब आपको प्रॉपर फीलिंग आने लगी होगी ना इस दुनिया में रिप्रोडक्शन जैसी चीज नेचर ने बनाई ही क्यों। ठीक है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाई रिप्रोडक्शन, तो डेथ इज सर्टेन एंड टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ या परपेचुएशन ऑफ लाइफ, देयर मस्ट बी अ प्रोसेस। एक प्रोसेस का होना जरूरी है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस के हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना लाइफ कंटिन्यूटी का सिर्फ एक प्रोसेस, तो लाइफ की कंटिन्यूटी का एक प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन से डिस्कशन को क्या किया है? स्टार्ट किया है। तो हम लोग सबसे पहले किस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं? तो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं लाइफ स्पैन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये लाइफ स्पैन क्या है?
ठीक है। तो जब इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म आता है, तो ऑर्गेनिज्म जब आता है तो इसका मतलब उसका जन्म हुआ, उसका बर्थ हुआ, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम पीरियड है, तो ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम पीरियड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ फोकस करो, और यहाँ पर वो पॉइंट फोकस करो कि यहाँ पर बर्थ टू नेचुरल डेथ की बात की जा रही है। नेचुरल डेथ का मतलब है कि किसी तरह से हम एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कई बार एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो उसको हम लोग लाइफ स्पैन को कैलकुलेट करने पे एक्सीडेंटल डेथ को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल डेथ का मतलब क्या है, तो नेचुरल डेथ का मतलब है कि प्रॉपर जब एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एक आइडियल सारी फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता हुआ डेथ को अटेंड करे, ठीक है। सबसे पहले उस दुनिया में है बर्थ, फिर बर्थ के बाद उसमें जुवेनाइल फेज होती है, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज के बाद कौन सी फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज को ही हम लोग प्लांट में क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव फेज। अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो ऐसे समझो ना कि जैसे हम लोग अपने चाइल्डहुड वाली स्टेज में जब रहते हैं, तो वही जब कोई ऑर्गेनिज्म उस स्टेज पे रहता है तो हम लोग उसको जुवेनाइल स्टेज कहते हैं, ठीक है। फिर जुवेनाइल स्टेज के बाद मैच्योरिटी में रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में वो रिप्रोडक्शन करता है, अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देता है। फिर सेनेसेंस फेज आता है, ठीक है, और सेनेसेंस फेज में क्या होने लगता है, वो ओल्ड होने लगता है, एंड फाइनली क्या होता है, नेचुरल डेथ आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब ये जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, फिर एडोलसेंस या सेनेसेंस फेज के बाद डेथ आ रही है, तब हम इसको एक आइडियल लाइफ स्पैन की तरह क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इस वजह से यहाँ पर हम लोग बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। अब आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि हर ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली फॉर फ्यू डेज, ठीक है, फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो केवल कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक ही क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को ही हम लोग उसका क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। अच्छा, ये पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्टिंगली क्या होता है, ये कुछ दिनों से लेकर, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जानते हो वन डे का भी हो सकता है, कुछ का लाइफ स्पैन कुछ वीक का भी हो सकता है, कुछ का लाइफ स्पैन क्या हो सकता है, कुछ मंथ्स का होता है, और कुछ का लाइफ स्पैन क्या होता है, सेवरल थाउजेंड इयर्स तक का भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली लाइफ स्पैन अच्छा खासा क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो इट मे बी फ्यू डेज टू सेवरल इयर्स, तो कुछ दिनों से लेकर ये कई सालों तक हो सकता है। एंड दिस पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या लाइफ स्पैन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड करता है। तो फिर हम लोग इंटरेस्टिंगली इस बात को देखते हैं कि लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। अब जैसे एलिफेंट इतना बड़ा एनिमल है, तो हम लोग को लगता है कि अरे इतना बड़ा एनिमल है तो इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और आपको पता है कि एलिफेंट से बहुत बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है, टर्टल्स का होता है, और वो कितना क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। एलिफेंट तो 60-90 ईयर्स तक का उसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है, और जो टर्टल्स है उसका लाइफ स्पैन 300-350 ईयर्स तक होता है। इसका मतलब है कि, लेकिन अब आप ये भी कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हो कि बड़े लोगों का लाइफ स्पैन क्या कहते हैं कम होता है, छोटे का ज्यादा होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, तो कई बार बड़े ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है, बड़े ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज्यादा भी हो सकता है। अब जैसे अगर हम लोग ले लें पीपल ट्री, तो पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो 2000-3000 ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे हम लोगों को ये पता लगा, अभी आप और भी एग्जांपल्स देखोगे तो हम लोगों को ये पता लग गया कि जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फिर लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो इसी बात को प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। कई बार क्या होता है ना कि सिमिलर साइज होने के बाद भी लाइफ स्पैन अच्छा खासा क्या करता है, वेरी करता है। जैसे अब हम लोग क्रो की बात करेंगे एंड पैरेट की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जैसे क्रो एंड पैरेट की बात अगर हम लोग करें ना, तो आपको पता है कि क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है, 15 ईयर्स होता है, और पैरेट का लाइफ स्पैन कितना होता है, 140 ईयर्स होता है। जबकि क्रो एंड पैरेट दोनों का साइज नियरली क्या होता है, सिमिलर होता है। तो फिर यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आप समझ में आ गए, समझ गए होंगे, ठीक है। आगे
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो और पीपल का एग्जाम्पल लें, तो अगर हम मैंगो और पीपल का भी एग्जाम्पल लें ना, तो आपको पता है मैंगो जिसका एवरेज लाइफ स्पेन 100 ईयर्स होता है और पीपल जिसका 2000 to 3000 ईयर्स तक हो सकता है। लेकिन अगर आप एक मैंगो के ट्री को देखते हो और एक पीपल के ट्री को देखते हो, तो आपको दोनों का साइज नियरली कैसा समझ में आता है, सिमिलर नजर आता है, लेकिन फिर भी उनके लाइफ स्पैन में क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो एक 100 ईयर्स तक सरवाइव कर रहा है और दूसरा 1000 to 2000 to 3000 ईयर्स तक सरवाइव कर रहा है। इसका मतलब है कि इन सारे फैक्ट से ये बात तो समझ में आ जाती है कि लाइफ स्पैन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में एक पेज बना हुआ है, ठीक है, उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ है और कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में उन्होंने क्या रख रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा है। ठीक है, तो जहां पर उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा है वहां का लाइफ स्पैन हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये आ गया, ये वही एनसीईआरटी का पेज है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग लाइफ स्पैन की बात करें तो जैसे सबसे पहले एलिफेंट, तो अगर हम लोग एलिफेंट के लाइफ स्पैन की बात करें तो अभी हमने आपसे कहा कि एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, 60 to 90 ईयर्स। तो आप लोग एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना लिख लेना, 60 to 90 ईयर्स। ठीक है, फिर अगर हम रोज के लाइफ स्पैन की बात करें तो रोज का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, तो इसका लाइफ स्पैन 5 ईयर्स तक होता है। ठीक है, फिर अगर हम डॉग के लाइफ स्पैन की बात करें तो डॉग का लाइफ स्पैन 25 to 30 ईयर्स तक होता है, तो इसका लाइफ स्पैन 25 to 30 ईयर्स तक होता है। बटरफ्लाई तो इन्होंने 1 to 2 वीक ऑलरेडी दे रखा है। क्रो का लाइफ स्पैन अभी हम लोगों ने बात कर लिया कितना होता है, तो क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होता है। ये जो बनाना ट्री है, तो बनाना ट्री का भी जो लाइफ स्पैन है वो भी कितना होता है, तो वो भी 25 ईयर्स तक होता है। ठीक है, अगर हम कॉ के लाइफ की स्पैन की बात करेंगे तो कॉ का भी लाइफ स्पैन कितना होता है, यही 20 to 25 ईयर्स तक होता है। ठीक है, और पैरेट के लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो पैरेट का लाइफ स्पैन ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, 140 ईयर्स है। ठीक है, फिर अगर हम क्रोकोडाइल के लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन कितना है, 60 ईयर्स है। अगर हम हॉर्स के लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो हॉर्स का लाइफ स्पैन भी कितना होता है, 60 ईयर्स है। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। आप याद करते समय क्या करना, जिनका लाइफ स्पैन सेम है तो उनको आप ग्रुपिंग कर लेना। ठीक है, अभी हम आपको तरीका बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे आप क्रोकोडाइल एंड हॉर्स का ग्रुप बना लेना, हॉर्स क्रोकोडाइल और एलिफेंट, तो इन तीनों का ग्रुप बना लेना। अगर आप हॉर्स को, क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को देखो तो ये लगभग क्या होते हैं, इनका लाइफ स्पैन सेम होता है। फ्रूट फ्लाई का, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन बना लेना। जो फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, तो इसका लाइफ स्पैन 2 वीक्स होता है, और बटरफ्लाई का कितना होता है, 1 to 2 वीक्स होता है। राइस तो आपको होता है ना, वीट राइस 3 to 4 मंथ्स में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो राइस है तो इसका लाइफ स्पैन हम लोग कितना लिखेंगे, 3 to 4 मंथ, तो इसका लाइफ स्पैन 3 to 4 मंथ है। और टर्टल्स का लाइफ स्पैन, अब इसमें देखो 100 to 150 ईयर्स दे रखा है, तो कहीं कहीं पर कुछ बुकों में आपको 300 to 350 ईयर्स तक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी को कंसिडर करके टर्टल्स का लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर्स। ठीक है, और बेनियन ट्री का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो बेनियन ट्री का लाइफ स्पैन 200 to 300 क्या होता है, 200 to 300 ईयर्स तक होता है। ठीक है, तो अब देखो आपको सबका, आपको क्रो और पैरेट का तो लाइफ स्पैन ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो क्रो एंड पैरेट का लाइफ स्पैन 15 and 140। मैंगो का और क्या कहते हैं, पीपल का तो लाइफ स्पैन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, 100 ईयर्स और 2000 to 3000 ईयर। अगर हम लोग उसी कैटेगरी में बेनियन को ले लेते हैं तो उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 200 to 300 ईयर्स। 60 ईयर्स की रेंज में कौन कौन आता है, तो आप लोग रेंडमली सोचो, तो 60 ईयर की रेंज में कौन आता है, तो आपका क्रोकोडाइल आता है, हॉर्स आता है, और एलिफेंट भी उस कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि 60 टू 90 ईयर्स होता है। ठीक है, 3 to 4 मंथ का लाइफ स्पैन किसका था, राइस का था। 1 to 2 वीक का लाइफ स्पैन बटरफ्लाई का था। फ्रूट फ्लाई का कितना था, तो 2 का था। अगर हम 25 ईयर्स वाली रेंज में आएंगे तो ये जो आपका डॉग होता है, ये जो आपका काउ होता है, ये जो आपका बनाना ट्री होता है, तो ये सब 25 ईयर्स वाली रेंज में आ जाते हैं। तो आप जानते हो दोनों तरह से करना, आप ऑर्गेनिज्म से भी लाइफ स्पैन जाना और लाइफ स्पैन के फिगर से ऑर्गेनिज्म को भी याद करने की कोशिश करना, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो हम कहना क्या चाहते हैं।
हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए एलिफेंट का लाइफ स्पैन तो 60 to 90 ईयर्स तो है, ठीक है, लेकिन आप इस तरह से भी उल्टा सोचना, यार 60 ईयर्स लाइफ स्पैन किसका किसका हुआ करता था, तो फिर तुम याद रखना, ध्यान रखना कि अच्छा 60 ईयर की रेंज में कौन कौन था, क्रोकोडाइल था, ठीक है, हॉर्स था, और कौन था, एलिफेंट था, 25 ईयर्स की रेंज में कौन कौन था, तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे लगभग क्या हो चुके होंगे, याद हो गए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर लाइफ स्पैन में हम इतना वेरिएशन देखते हैं, साइज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो कौन सी ऐसी बात है जिस पर लाइफ स्पैन क्या कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आप सोचते हो कि लाइफ स्पैन किस बात पर डिपेंड कर सकता है, तो सीधे आपको पता है कि जितने भी ट्रेट्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितनी भी क्वालिटीज होती हैं किसी भी स्पीसीज की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो सीधा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जैसे जीन्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर एडेप्टेशन और सर्वाइवल होता है, ठीक है। तो एडेप्टिव फीचर्स, एडेप्टेशन और सर्वाइवल जो होते हैं वो जेनेटिकली फिक्स होते हैं, जीन ही डिसाइड करते हैं किसी भी स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन को और सर्वाइवल को, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लाइफ स्पैन की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होगी, जेनेटिक फैक्टर के पास होगी। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, तो जिसका भी लाइफ स्पैन ज्यादा है इसका मतलब है कि उसका जो एडेप्टेशन है वो और भी ज्यादा क्या है, बेहतर है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है लगातार एवोल्यूशन के टाइम पे किस बात की लड़ाई हर ऑर्गेनिज्म, हर पॉपुलेशन ने की है, तो लगातार एवोल्यूशन के टाइम पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ने किस बात के लिए फाइट किया है, तो उसने हमेशा फाइट किया है सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने के लिए, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए उसने लगातार फाइट किया है, ठीक है। और उसकी जो फाइट जो होती है, तो अगर उसकी फाइट सक्सेसफुल हो गई इसका मतलब वो अडेप्ट हो गया, और उसी अडेप्ट और वही एडेप्टेशन जेनेटिकली फिक्स हो जाता है, और वो जीन जनरेशन आपका जनरेशन थ्रू रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में लाइफ स्पैन जो होता है उसका जो क्या कहते हैं बेसिस है वो किसके पास है, वो जीन के पास है, ठीक है। और ये एडेप्टेशन को लाइफ स्पैन इनडायरेक्टली क्या कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब अगर इस तरह से हम लोग देखें तो लाइफ स्पैन का डिस्कशन क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से वही बात कि व्हाट एवर इज द लाइफ स्पैन, डेथ इज सर्टेन एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ नहीं होती हो, जिसकी नेचुरल डेथ ना होती हो, इसका मतलब है कि जिसको आप इमॉर्टल जैसा समझ सकते हो, तो यस ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और जिसको हम लोग, जैसे आप लोगों ने बहुत वेल पॉपुलर है अमीबा, तो आपने अमीबा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो अमीबा है क्या, तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में ऐसा माना गया है कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, इसका मतलब इन्हें किस तरह से माना गया है, इन्हें इमॉर्टल जैसा माना गया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अब हम लोगों को इस बारे में सोचना है कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं हो रही है, वो इमॉर्टल जैसा है। तो होता क्या है कि हम लोग जब उसकी पूरी लाइफ साइकिल को, उसकी पूरे लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर लाइफ स्पैन तो हम बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप होता है इसमें तो नेचुरल डेथ ही नहीं है, तो लाइफ साइकिल ही बोले, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन तक की इसकी साइकिल चलेगी। क्या होता है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अमीबा को ले लेते हैं, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये ओल्ड होने से पहले, सेनेसेंस फेज में जाने से पहले ही डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, और डिवाइड करके, मतलब डिवाइड करके दो डॉटर बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको इसमें थोड़ा सा सोचना है, आपको इसमें सोचना है जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो एक अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा है, ठीक है, और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है ये फाइनली डिवाइड हो गया, किसमें बताइए, दो डॉटर सेल में, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो होता क्या है, तो होता क्या है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ही इनका बर्थ हुआ, जैसे इस दुनिया में है, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, मैच्योर होते हैं, तो मैच्योरिटी में ही ये क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, और जैसे ही ये डिवाइड कर गया तो फिर वो जो डिवाइड करने के बाद जो सेल्स बनेंगे उसे हम लोग डॉटर सेल्स कहेंगे, या फिर उसे भी हम लोग किसके जैसा मानेंगे, तो उसे भी हम ऑर्गेनिज्म जैसा मानेंगे, फिर उसकी ग्रोथ होगी और फिर वो क्या कर जाएगा, डिवाइड। मतलब अगर हम एक सिंपल बात करें, जैसे सेल डिवीजन आप लोग देखते हो ना, ये एक सेल है और ये एक सेल जैसे ही इसने मैच्योरिटी को अटेन किया, दो
में डिवाइड कर गया, फिर ये सेल है ये डेथ से पहले ही रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, तो ऑब्वियस है कि रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद उसको रिप्रोडक्शन शो करना पड़ेगा, और रिप्रोडक्शन का मतलब है कि डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में आया, डिवाइड कर गया, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये जो दो सेल्स बने, ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो सेल है तो ये सेल ही यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट है, तो ये सेल ही यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट है, ऑर्गेनिज्म के इक्विवेलेंट है। इस वजह से हम लोग एक टेक्निकल लिमिटेशन में फंस गए, ठीक है, और एक टेक्निकल लिमिटेशन में फंस गए क्योंकि यहाँ पर आप इसको वन सेल कह दो, ठीक है, और चाहे तो आप इसको क्या कह दो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह दो, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल को जब वो बढ़ा रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को बढ़ा रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन आ रहा है, और जैसे ये नई सेल बन गई तो ये नई सेल बनते ही फिर से किसको रिप्रेजेंट करने लगा, ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने लगा। फिर जैसे ही इसको सेनिसेंस में पहुंचना है, लेकिन सेनिसेंस से पहले कौन सी फेज आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज में आते ही फिर ये क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करते ही ये खुद किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो ये खुद डॉटर को रिप्रेजेंट करने लगेगा, और ये फिर खुद से नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अब अगर हम इसकी भी लाइफ स्पैन देखें ना, तो ये सेनिसेंस में जाने से पहले किस में आएगा, रिप्रोडक्टिव में आएगा, और जैसे ही रिप्रोडक्टिव में आएगा तो ये डिवाइड कर जाएगा, और जैसे ही डिवाइड कर जाएगा तो इसमें ये जो सेल है यही किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर नई सेल का बनने का मतलब है कि नए ऑर्गेनिज्म का जन्म, ठीक है, तो नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ इंडिकेट करता है नई सेल का बनना। अगर आपको 11th का लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर याद हो तो उसमें आप लोगों को एक बात याद थी ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों क्या होती है, एक बात ही होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, तो आप इसको चाहो तो सेल डिवीजन कहो, चाहो तो आप इसको रिप्रोडक्शन कहो, चाहो तो आप इसको ग्रोथ कहो और चाहो तो आप इसको रिप्रोडक्शन कहो, तभी तो हम लोग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को दो अलग अलग इवेंट की तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो फाइनली यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये ओल्ड होने से पहले, सेनिसेंस फेज में जाने से पहले ही दो डॉटर में क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, और फिर से क्या कहते हैं, नई लाइफ क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा तो ये कब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, और साथ ही साथ फूड की सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, फूड सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो क्या अनफेवरेबल कंडीशन में उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी, ठीक है। तो इसको एक सेल से दो सेलों में डिवाइड करना, इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी विजन कहते हैं, ये तो फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जब फूड की सप्लाई रुक गई, ठीक है, या एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तब जानते हो, तब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो अमीबा है, ये किस में चला जाता है, ये मल्टीपल फिजन में चला जाता है, और मल्टीपल फिजन में इंसिस्टेशन होगा और स्पोरुलेशन होगा, वो अभी हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक थ्री लेयर्ड वॉल बनाता है, और फिर वो एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, और सिस्ट जो होता है वो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, ठीक वैसा ही जैसे आप लोगों ने बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, तो फेवरेबल कंडीशन आते समय वो एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होते हैं, और कई सारे अमीबा बन जाते हैं, और सिस्ट बस्ट हो जाती है, और सारे अमीबा बाहर क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, अभी सिर्फ आप डायग्राम से देखो, देखो फेवरेबल कंडीशन में एक अमीबा से फाइनली कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये देखो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर सिस्ट का फॉर्मेशन कर देगा, और उसमें कई सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो जाते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, सिस्ट बस्ट हो जाता है, और ये सारे स्पोर्स के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, और इसको हम लोग सूडो स्पोर कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाला जो इंसिस्टेशन है और स्पोरुलेशन है, ये सारा प्रोसेस कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। इसका मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं हुई, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ये ही इसी बात को ऑब्जर्व करेंगे, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, अमीबा का, इसकी कोई नेचुरल डेथ ना तो फेवरेबल में नजर आ रही है, ना तो अनफेवरेबल में नजर आ रही है। इस वजह से हम इसे क्या मानते हैं, इमॉर्टल कहते हैं। और फिर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, व्हाट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ इज सर्टेन एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में अगर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा। बिफोर ओड या फिर बिफोर डेथ इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, और यहाँ पर सेल्स ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे ना वो एकदम जुवेनाइल फेज में होगा, छोटी होंगी, तो उसको हम लोग अमीबुली कह सकते हैं। तो डॉटर अमीबा को हम लोग अमीबुली कह सकते हैं, और वो धीरे धीरे मेच्योर होकर एडल्ट अमीबा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसका अगर हम लोग ये देखें कि उसका प्रोसेस क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मोचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, सिनोनिमस होता है, ये बात हम आपको अभी बता चुके हैं। ठीक है, जब वहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है तो आप उसको रिप्रोडक्शन जैसा कंसिडर, तो वही टेक्निकल एरर हम फंस गए ना, कि क्योंकि सेनिसेंस के पहले रिप्रोडक्शन आता है, और रिप्रोडक्शन आते ही वो डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करने के बाद नया सेली ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग कहेंगे नया ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो गया है, तो वहाँ पर सेनिसेंस और डेथ की आने के क्या कहते हैं चांसेस ही नहीं रह जाते, इस वजह से ये इमॉर्टल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में अगर हम लोग बाइनरी फिशन का प्रोसेस देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो ये जो डिवाइड कर जाता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में, तो इसको हम लोग प्रॉपर क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रॉपर कह सकते हैं बाइनरी फिशन। तो ये डिवाइड कर रहा है, अब बाइनरी का मतलब दो, अब जैसे मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन, तो जब पेरेंट दो डॉटर में बदले तो बाइनरी फिजन, और जब एक ही पेरेंट कई सारे डॉटर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। तो अगर हम लोग बाइनरी फिजन की मैकेनिज्म देखेंगे, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, तो बाइनरी फिजन को आप पूरी तरह से सेल डिवीजन जैसे समझिए, सबसे पहले इंटरफेज आता है, फिर एम फेज आता है, और इंटरफेज में ग्रोथ होती है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता चला जाता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चला जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, न्यूक्लियस का साइज क्या होता चला जाता है, एनलार्ज होता चला जाता है, और सेल क्या होती चली जाती है, कंडेंस होती चली जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो न्यूक्लियस का साइज एनलार्ज होता चला जाएगा, और सेल क्या होती चली जाएगी, कंडेंस होती चली जाएगी। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, और ये जो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड करना होता है ना, तब इसके बीच में देखो एक ग्रूव का फॉर्मेशन है, एक फरो का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर इसको आप और क्लियरली देखो, तो इसी को अगर हम इन शॉर्ट देखें तो और क्लियरली देखें ना, तो ये देखो इस तरह से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये देखिए, इसी को इनलार्ज करके आप देखो, है ना, तो ये आप देख रहे हो ना, ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक डिवाइडिंग न्यूक्लियस है, और डिवाइडिंग न्यूक्लियस के साथ साथ किसका फॉर्मेशन हो गया है, तो ग्रूव का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये देखो यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ग्रूव का फॉर्मेशन है, तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन की मैकेनिज्म को अगर हम देखें, तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, सेल का कंडेंसेशन होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फिर एक ग्रूव का फॉर्मेशन है, और आपको पता है ना ग्रूव का फॉर्मेशन, अगर आपने सेल डिवीजन जब एनिमल में पढ़ा होगा तो साइटोकाइनेसिस आपने पढ़ा होगा, तो साइटोकाइनेसिस में भी ना पेरिफेरी से सेंटर की तरफ किसका फॉर्मेशन होता था, ग्रूव का फॉर्मेशन होता था, और दो सेल एक दूसरे से क्या हो जाती थी, सेपरेट हो जाती थी। वहां पर हम लोग कहते थे ना, जो ग्रूव का फॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर होता है उसको हम लोग सेंट्रिपेटली कहते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ग्रूव का फॉर्मेशन होता है, तो कैरियोकाइनेसिस होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव। और अगर आपको लगता है ये ग्रूव का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है दो डॉटर सेल को सेपरेट होने के लिए, और इस तरह से दो डॉटर सेल आफ्टर साइटोकाइनेसिस क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी फिजन आपको समझ में आ गया, इन्हें हम डॉटर अमीबी कहते हैं। अगर हमें डॉटर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है तो हम सीधे अमीबुली कह सकते हैं, तो अमीबुली का मतलब ये डॉटर, और यहाँ पर आप इसको चाहे डॉटर कहो और चाहे आप इसको सेल कहो। ठीक है, तो यहाँ पर सेल ही ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो आसान सा था। अब अगर हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन में देखें कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, तो पहले आप इसको पिक्चर समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत आसान लगेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में भी इसकी डेथ नहीं होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाता है, और सर्वाइव करने के साथ साथ प्रोपेगेट भी कर जाता है। कैसे, जैसे ये अमीबा है, ये इसके सूडोपोडिया है, तो जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो क्या बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये राउंडेड हो जाता है। ठीक है, ये अपने सूडोपोडिया को क्या कर लेता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, सूडोपोडिया में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और इसका शेप कैसा हो जाएगा, राउंडेड, और उसके चारों ओर थ्री लेयर्ड वॉल बन जाएगी। अब देखो थ्री लेयर्ड वॉल बनाने के लिए हमने क्या कहते हैं, ये देखो पर्पल व्हाइट ग्रीन तीन कलर का यूज किया है, तो इससे तुमको समझ में आएगा कि ये थ्री लेयर्ड वॉल बन गई, और ये थ्री लेयर्ड जो थिक वॉल है इसकी वजह से इसके पास अच्छा खासा क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, और अच्छा खासा रेजिस्टेंट होता है, तो फिर ये जानते हो क्या करेगा, ये इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में प्रॉपर क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है
जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जिसे हम लोग शिष्ट कह सकते हैं, तो आप हमेशा ये सोचना कि शिष्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, शिष्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो शिष्ट की इम्पोर्टेंस अगर आप सोचोगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा, पेरिनेशन। ठीक है, पेरिनेशन का मतलब समझते हो ना, टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अनफेवरेबल कंडीशन में जो सर्वाइव करने की एबिलिटी होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिनेशन कहते हैं। ठीक है, जब आपको इकोलॉजी पढ़ाया जाएगा ना, तो जब आपको इकोलॉजी में क्या कहते हैं, एडेप्टेशन पढ़ाए जाएंगे, रेगुलेट, कन्फर, माइग्रेट, सस्पेंड, तो कहीं ना कहीं ये किस एडेप्टेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, सस्पेंड एडेप्टेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको याद है तो बैक्टीरिया भी अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन करके अब क्या करता था, सर्वाइव करता था। लेकिन बैक्टीरिया की आगे की कहानी एग्जैक्ट ऐसी नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बैक्टीरिया में, दरअसल आगे की कहानी में बैक्टीरिया में अगर आप कंपेयर करो एंडोस्पोर से, तो यहाँ पर देखो कई सारे स्पोर्स बाहर आते हैं और कई सारे, हर एक स्पोर किसका फॉर्मेशन करेगा, अमीबा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो एंडोस्पोर से जो बाहर आता था, सिर्फ एक बैक्टीरिया बाहर आता था। इसी वजह से जब आपको एंडोस्पोर फॉर्मेशन पढ़ाया गया होगा ना बैक्टीरिया के केस में, तो उसको मीन्स फॉर पेरिनेशन तो कहा गया होगा, लेकिन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन बहुत अच्छे से उसको कहना ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो उसको इस वजह से मेथड ऑफ प्रोपेगेशन कहना बहुत अच्छा नहीं होता है बैक्टीरिया के एंडोस्पोर के केस में, क्योंकि वहां पर एक क्या कहते हैं, एक एंडोस्पोर से सिर्फ एक बैक्टीरिया बाहर आएगा, लेकिन यहां पर एक सिस्ट से, मतलब आप इस तरह सोचो, वहां पर एक सिस्ट से एक बैक्टीरिया बाहर आएगा, लेकिन यहां पर एक सिस्ट से देखो कई सारे अमीबा क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इसका मतलब है पेरेंट से बहुत सारी कॉलोनी बन रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर क्या है, तो ये प्रॉपर रिप्रोडक्शन है, और प्रॉपर ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम आपको कहानी बताते हैं, तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने क्या कहते हैं, सुडोपोडिया को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, राउंडेड हो जाता है, थ्री लेयर वॉल बना देता है, जिसको सिस्ट कहते हैं। सिस्ट की वजह से उसको पेरिनेशन मिल जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पेंड एडेप्टेशन होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये तो सर्वाइवल हो गया, तो फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जो न्यूक्लियस है ये कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, रिपीटेड मल्टीपल न्यूक्लियर फिजन होता है, तो रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसी को मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो इस तरह से कई सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तुरंत कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, पहले कई बार कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा और फिर उसके बाद देखो साइटोकाइनेसिस है। तो पहले हमने कई सारे न्यूक्लियस बना दिए हैं, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियस बना दिए हैं, और अगर हम साइटोप्लाज्म को ऐसे दिखा दे, ठीक है, तो ये देखो ये चारों तरफ क्या है, तो ये साइटोप्लाज्म। फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद देखो हमने हर न्यूक्लियस के अराउंड क्या बना दिया है, साइटोप्लाज्म बना दिया है। इसका मतलब है कि अब कैरियोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस मल्टीपल विजन, अच्छा समझ गए ना मल्टीपल विजन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मल्टीपल विजन का मतलब है कि कई बार न्यूक्लियस ने क्या किया है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन किया है। ठीक है, और फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हुई है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म बन गया, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये सिस्ट जो है वो क्या कर जाएगा, बस्ट कर जाएगा, और जैसे ही सिस्ट बस्ट कर जाएगा, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, और ये कहाँ चल रहा है, और ये जो स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, तो ये कब हुआ था, ये अनफेवरेबल कंडीशन में, और सिस्ट बस्ट कर जाएगा, और ये सारे क्या कहते हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगी, और इसी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर को स्पोर का डिस्पर्सल हो जाएगा, इसे हम लोग सुडोपोडियो स्पोर कहते हैं, या फिर, और यही सुडोपोडियो स्पोर जो है वो डॉटर अमीबा को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसे रिप्रेजेंट करेगा, अमीबुली को रिप्रेजेंट करेगा, और सारे अमीबुली जो है वही मेच्योर होकर, तो वो सारे अमीबुली जो है वही मेच्योर होकर किसमें बन जाएंगे, एडल्ट अमीबा में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम एक को बना दें तो यही सब मेच्योर होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस वाले को हम इंसिस्टेशन, इसको हम कह सकते हैं इंसिस्टेशन। ठीक है, तो इसको हम इंसिस्टेशन कह सकते हैं, और ये जो दूसरा क्या कहते हैं पार्ट है, तो इस दूसरे पार्ट को जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे, इस दूसरे पार्ट को हम कह सकते हैं स्पोरुलेशन। तो इंसिस्टेशन तो हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, स्पोरुलेशन ये लिखा हुआ है, तो चलो ठीक है, इसी को अंडरलाइन कर दें। तो दूसरे को आप क्या कह सकते हो, तो दूसरे को जब साइटोकाइनेसिस हुआ है तो आप उसको स्पोरुलेशन, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, इसको यहाँ पर, ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं स्पोरुलेशन।
कहाँ लिखे, कहाँ लिखे स्पोरुलेशन, ये पूरा का पूरा क्या है स्पोरुलेशन, इसको ऐसा करते हैं। ये देखिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया पेरिनेशन को सस्पेंड पेरिनेशन, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं स्पोरुलेशन, तो इसे हम कह सकते हैं स्पोरुलेशन। तो आपको समझ में आ गया इंसेप्टेशन और आपको समझ में आ गया स्पोरुलेशन, तो वही है। सेल ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स अ थ्री लेयर्ड प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इटसेल्फ नोन एज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सिस्ट कहते हैं। पहले ये राउंडेड हो जाएगा, फिर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, फिर मल्टीपल फिशन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी एंड देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होगी, सिस्ट बर्स्ट हो जाएगा और ये क्या कहते हैं बहुत सारे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे डिस्पर्स हो जाएंगे। किसी ना किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं स्पोर क्यों बोला जा रहा है, जब ये अमीबा है स्पोर तो बॉटनी में बोला जाता है। तो आपको पता है स्पोर का एम क्या होता है, स्पोर का एम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पोर का एम डिस्पर्सल होता है। नेचर ने स्पोर को जानते हो किस बात के लिए बनाया, डिस्पर्सल के लिए, कभी हमने आपको बताया भी होगा। तो नेचर ने स्पोर को डिस्पर्सल के लिए बनाया है, तो यहाँ पर सिस्ट बस्ट होता है और ये कई सारे अमीबुली क्या होते हैं डिस्पर्स होते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये अमीबुली जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्पोर लाइक नेचर को क्या कर रहा है शो कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसे हम लोग सूडोपोडियोस्पोर या सूडोस्पोर समझ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब इंसिस्टेशन था स्पोरुलेशन ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय क्या हो जाएगा साइटोकाइनेसिस एंड सेवरल स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर का क्या होगा फॉर्मेशन होगा, जिसे हम सूडोपोडियोस्पोर कहते हैं, और सिस्ट क्या हो जाएगी बस्ट हो जाएगी, एंड फाइनली स्पोर्स क्या हो जाएंगे डिस्पर्स्ड हो जाएंगे व्हिच डेवलप इनटू जो कई सारे अमीबुली, और फाइनली किसमें एडल्ट अमीबा में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने उस क्वेश्चन को लिखा है कि आप सोचते होंगे इसको स्पोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बॉटनी में हमने स्पोर का काम आपको बताया है हमेशा, स्पोर नेचर ने किस बात के लिए बनाया है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, ताकि उसका डिस्पर्सल हो। तो यहाँ पर क्योंकि अमीबुली का डिस्पर्सल हुआ है सिस्ट के बस्ट होने से, तो इस वजह से वो स्पोर लाइक नेचर को क्या करता है शो करता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने स्पोर वर्ड का क्या किया है इस्तेमाल किया है। तो फाइनली अब कंक्लूजन क्या है, तो फाइनली कंक्लूजन हम लोगों ने ये देखा कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये जो अमीबा था, ये फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन दो डॉटर में कन्वर्ट हो गया, और अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन के थ्रू कई सारे उसने अमीबुली बना डाले, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कभी कोई हमें नेचुरल डेथ ही समझ में नहीं आ रही है, तो इस वजह से हम लोग इसको किसकी तरह कंसिडर कर सकते हैं इमॉर्टल की तरह, हेंस वी कैन से दैट इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन, ठीक है। अब अगर कभी एग्जाम्पल आपसे पूछे ना ये जो मल्टीपल फिजन है, तो मल्टीपल फिजन में इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन आता है, तो ये तो आप लोगों को खूब पढ़ाया जाता है कि मल्टीपल फिजन रिप्रोडक्शन है, लेकिन आप ये जो मल्टीपल फिजन वाला एस्पेक्ट है ना, इसको आप सिर्फ रिप्रोडक्शन की तरह कंसिडर मत करना, आप इसको मेथड ऑफ पेरिनेशन की तरह भी कंसिडर करना, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह आप इसको सर्वाइवल की भी स्ट्रेटजी समझना, और आप इसको प्रोपेगेशन की भी स्ट्रेटजी समझना। इसी वजह से इस स्टेटमेंट को हमने अलग लिखा है ना। तो अगर एग्जाम्पल एक अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा, ठीक है, कि आपसे रिप्रोडक्शन और क्या कहते हैं इकोलॉजी दोनों को अगर कनेक्ट करके वो क्वेश्चन बनाना चाहेगा, तो आप इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन को पेरिनेशन भी कंसिडर करोगे, और पेरिनेशन के साथ साथ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कंसिडर करना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि नेचुरल डेथ अमीबा में नहीं हो रही है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही है, इस वजह से हम लोग उसको किसकी तरह से देखते हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको इमॉर्टल की तरह से देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक आप पूरा लाइफ स्पैन आपका कंप्लीट हो गया। लाइफ स्पैन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है वो आपको समझ में आ गया। लाइफ स्पैन का जेनेटिक बेसिस हमने आपको समझाया, उसको एडेप्टेशन के साथ हमने क्या किया है कनेक्ट किया है, साथ ही साथ कहाँ पर नेचुरल डेथ नहीं होती है, किसको इमॉर्टल की तरह कंसिडर करते हैं वो बात हम लोगों ने की है, और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो अमीबा है, ये फेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, और इंटरेस्टिंगली अनफेवरेबल कंडीशन में जहाँ हम सोचते हैं उसका सर्वाइवल मुश्किल है, तो वहाँ और भी अच्छे से सर्वाइव करके बहुत सारे अमीबुली का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। फेवरेबल कंडीशन में तो अगर देखो तो एक पेरेंट से दो ही बने, और अनफेवरेबल कंडीशन में तो बहुत सारे बन गए, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अपने आप में क्या है एक सरप्राइजिंग है, और हम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म का आपको लाइफ स्पैन बटरफ्लाई का फ्रूट फ्लाई का है ना, वीट का, मैंगो का, पीपल का, बैनियन का, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम कुछ क्लिप्स चलाते हैं,
है ना, ठीक है। तो कुछ हम लोग जब ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं रहे, हमारे पास ये सारा सेटअप है, तो हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं और आप उस क्लिप्स को देखकर पहचानने की कोशिश करना, ताकि आपको और ज़्यादा क्या आने लगेगी, कॉन्सेप्ट को लेकर फीलिंग आने लगेगी। चलिए देखते हैं, अगर इसमें वो क्लिप्स हमने सेव तो कराएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप इस क्लिप को देखो और बताओ हमें कि आप इससे क्या समझ रहे हो। तो खैर, इस क्लिप में तो यहाँ पर बाइनरी विजन उन्होंने लिखी दिया है, तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बाइनरी विजन। तो आप बाइनरी विजन को एक वीडियो में देखो, आप कंसिडर करो कि जैसे ये अपने आप में क्या है, अमीबा है, ये उसके अंदर का क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, सूडोपोडिया है, ठीक है। अब देखो उसमें बाइनरी विजन सूडोपोडिया क्या हो गया, कॉन्स्ट्रक्ट हुए, और ये देखिए ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है जैसे हम लोगों ने डायग्राम में, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है ना, आप देखो इधर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये देखो इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फरों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फरों का फॉर्मेशन हो गया, और फाइनली देखो सेल किस में डिवाइड कर गई, और इस तरह से फाइनली सेल टू डॉटर सेल में क्या कर गई, डिवाइड कर गई, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी होगी बाइनरी फिजन की, और इस तरह से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये फाइनली एक मेच्योर या एक एडल्ट अमीबा में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बाइनरी फिजन है, इवन उसको लेकर आपको फीलिंग भी आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक सेकेंड वीडियो में देखें, तो यहाँ पर हम आपको बाइनरी फिजन के साथ साथ मल्टीपल फिजन भी शो करेंगे, ठीक है। तो आप देखो इसमें बाइनरी फिजन के साथ साथ मल्टीपल फिजन भी, अभी ये बाइनरी फिजन के जो टाइप्स होते हैं ना, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर हम आपको बताएंगे, है ना। तो जब हम आपको बाइनरी फिजन डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तब हम आपको बताएंगे कि प्लेन ऑफ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो सकता है, या अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो सकता है, या इररेगुलर, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आप सिर्फ मल्टीपल फिजन पर फोकस करो। तो अब देखो ये मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल देखो कई सारे क्या हो गया, कई सारे सेवरल स्मॉल यूनिट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो एक पेरेंट सेल देखो कई सारे डॉटर सेल्स में, कई सारे डॉटर अमीबुली में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन है। अगर आप इसको एक्चुअल में हम कलर करने के बाद देखें, तो ये देखो इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था ना, सिस्ट के अंदर कई सारे न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, तो वो आपको नजर आ रहा है। तो एक्चुअल में मल्टीपल फिजन के टाइम पे ये देखिए ये अमीबा है, ठीक है, और ये अमीबा है, और इसके देखो सूडोपोडिया क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये राउंडेड हो गया, सर्कुलर हो गया। ये देखिए एक थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया, और इसी थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, सिस्ट कहा था, ठीक है। और ये सर्वाइव कर रहा है, ये तो अनफेवरेबल कंडीशन वाला एस्पेक्ट हो गया। अब देखो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई ना, तो कई सारे डॉटर न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होगी, और कैरियोकाइनेसिस के बाद जैसे हमने डायग्राम बनाया नहीं था, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ इसका फॉर्मेशन होने लगा, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होने लगा। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो गई, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये सिस्ट बस्ट हो जाता है, और ये देखो कई सारे डॉटर सेल सूडोपोडियोस्पोर अमीबुली क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो आपको इस तरह से बाइनरी फिजन समझ में आ गया, मल्टीपल फिजन समझ में आ गया। चलो बताओ ये देखो, तो अब ये वाला एक एनिमेशन है, तो ये वाला जो एक एनिमेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत अच्छे से ये देखो बर्थ है, बर्थ के बाद ये चाइल्ड है ना, ठीक है। तो अब ये जो चाइल्ड है, अब ये चाइल्ड है, अब ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चाइल्ड की ग्रोथ हो गई, बड़ा हो गया, आप जैसा हो गया, ठीक है, इस तरह से देखो ये दौड़ रहा है। फिर उसके बाद
और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और इस तरह से धीरे धीरे मेच्योर होने लगा। ठीक है, मेच्योर होने लगा, और मेच्योर होने के बाद ये किस फेज में आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में। देखो मोबाइल लेकर बात करने लगा। अब आप समझ सकते हो कि जो लोग मोबाइल का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कोशिश करना कि बहुत देर में यूज़ करना। ठीक है, और इस तरह से क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद अब देखो ये इसकी सेनिसेंस फेज आ गई, ओल्ड फेज है ना, ये एक ओल्ड मैन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी एक्सीडेंट का डेथ को नहीं दिखाया गया कि कार आया और कार से एक्सीडेंट हुआ, इसकी डेथ हो गई, ये सेनिसेंस फेज। और सेनिसेंस फेज के बाद एक दिन इसकी अचानक से क्या हो गई, डेथ, रेस्ट इन पीस हम लोग बोलने लगे। अब इस तरह से तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने शो किया ये किसको शो किया, ये हमने प्रॉपर लाइफ स्पैन को शो किया। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्या लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।